हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के जलग्रां गांव की रहने वाली ये हैं सुनीता देवी, जो महतपुर के एक उद्योग में काम करती हैं और इनके पति निजी बस में चालक हैं। लॉकडाउन के चलते एक ओर जहां इनका उद्योग बंद हो गया, वहीं बसें चलनी भी बंद हो गई। ऐसे में सुनीता देवी और उनके पति दोनों ही बेरोजगार हो गए। सुनीता ने फल, सब्जियां और अचार बेचकर परिवार का पालन पोषण करने की ठानी और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले ही सुनीता देवी अपने घर का कामकाज निपटाकर सब्जी मंडी पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी पर घर घर जाकर सब्जियां व फल बेचती हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वे घर में बनाया हुआ अचार भी लोगों को उनके घर द्वार पर बेच रही हैं। फैक्ट्री में काम करती थी मैथपुर में, वहाँ पे लॉकडाउन के कारण बंद है। मेरे पति भी काम करते हैं जो ड्राइवरी का, वो भी अभी फ्री है और हम दोनों ही घर में बैठे हुए हैं और इस वजह से हम अपना जो गुजारा है वो सब्जी और फ्रूट और अचार बेच के कर रहे हैं। लोग देखते हैं कि आदमी तो करते ही थे, इस तरह महिला भी एक काम कर रही है, वो भी सोचते हैं कि ठीक है, एक लेडीज भी आदमी के बराबर काम कर रही है। सुनीता देवी आज बेरोजगारों के लिए एक मिसाल हैं और वे सभी लोगों को घर में खाली बैठने की बजाय कुछ नया करने का संदेश दे रही हैं। जब एक लेडीज सब्जी बेच सकती है या कोई घर में फैक्ट्री में जा सकती है, कोई भी काम कर सकती है, तो उन्हें फ्री बैठने से तो अच्छा है कि अपना काम करे, दो पैसे कमाए। गुजारा तो तभी होगा जब वो काम करेंगे। क्षेत्र के लोग सुनीता देवी की हिम्मत और मेहनत की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको पता है बेरोजगारी काफ़ी हो गई है और ये महिला सुबह उठ के जो सब्जी बेच रही है, हमारे लिए सीखने की बात है। आज के दौर में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है कि महिला अपना जो है काम कर रही है और अपने अपने परिवार का पेट पाल रही है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियां बनाने की, ये पंक्तियां सुनीता देवी पर ठीक बैठती हैं। ऊना से DD News के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।